रीवा के गौरवशाली इतिहास की छवि को रीवा राजघराने के साथ ही जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर धूमिल करने का काम किया है। हम बात करते हैं रीवा के प्रसिद्ध लक्ष्मण बाग मंदिर ट्रस्ट की जमीनों को बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में जिस तरह से बेचने की साजिश को अंजाम दिया गया, उसकी परत दर परत कलई खुलती जा रही है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में तत्कालीन रीवा महाराजा ने रिमही जनता के तीर्थ यात्रा, धर्म पुण्य और सनातन धर्म की निरंतर वृद्धि के उद्देश्य से तकरीबन हर तीर्थ स्थल में लक्ष्मण बाग मंदिर के नाम से जमीन खरीदा था, जिसका उद्देश्य था कि रीवा से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ ही गर्व का अनुभव हो सके। पर हद तो तब हो गई जब रीवा राजवंश के साथ ही रीवा के जनप्रतिनिधि तालमेल करके रीवा की छवि को धूमिल करने में कोई गुरेज नहीं किए और अरबों की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव में बेचकर औपचारिकता पूरी कर राशि को कलेक्टर रीवा के खाते में जमा करा दी गई और रीवा के माथे में कलंक का टीका लगा दिया गया, जिससे रिमही जनता शर्मसार हुई है और ठगी सी महसूस कर रही है। रीवा राजवंश से ताल्लुक रखने वाले महाराज पुष्पराज सिंह की राजनीतिक इनिंग बड़ी ही अनिश्चित रही है। कांग्रेस से 3 बार के विधायक और राज्य मंत्री भी रहे, पर सत्ता की लोलुपता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। रीवा की अधिकांश जनता का कहना है कि भाजपा महाराज पुष्पराज सिंह को रीवा से संसद का टिकट देकर रीवा सांसद बनाकर दिल्ली भेजना चाहती है और इसी लालच में वो आकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लक्ष्मण बाग ट्रस्ट की जमीनों को खुर्द खुर्द करने में लगे हुए हैं। हालांकि ट्रस्ट की जमीनों को बिना स्थानीय प्रशासन के सहयोग के नहीं बेचा जा सकता, लिहाजा उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पूरा पूरा सहयोग है और प्रशासन ऐसे जनप्रतिनिधियों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गया है। सूत्रों की माने तो स्थानीय विधायक का इस सौदे में मोटा कमीशन निर्धारित था, जो कि सौदा होने के साथ ही उनके पास पहुंच गया। इस कारगुजारी की क्षमा प्रार्थना उन्होंने पहले ही लक्ष्मण बाग परिसर में वाल्मीकि कथा आयोजन के द्वारा ईश्वर से कर ली है। उक्त मामले का खुलासा करते हुए एडवोकेट बी के माला ने इस प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि रीवा के लिए शर्म की बात है, जो हमारे पूर्वजों ने तीर्थ स्थलों में हमारे क्षेत्र का स्तंभ कीर्तिमान स्थापित किया था, वो वर्तमान राजवंश के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर ध्वस्त कर रहे हैं। ये रीवा के लिए शर्म की बात है और ऐसे जनप्रतिनिधियों और राजवंश के सदस्यों को जनता के सामने आकर अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा एडवोकेट पी के माला ने। ये रीवा लक्ष्मण बाग संस्था की एक जमीन है बद्रीनाथ में, जिसे बेचने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लक्ष्मण बाग बद्रीनाथ में हमारे रीवा की रिमान की जनता की भूमि थी, जो पूर्व में महाराज साहब ने जमीन वहाँ खरीदी थी और वहाँ गौशाला व अन्य वहाँ धर्मशाला रिमान की जनता के रहने के लिए बनाया गया था, जिसको अभी वर्तमान में सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, मीडिया के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक टीम बनाई गई है और वो टीम वहां से अधिग्रहण का जो अमाउंट है तो विरोध नहीं किया गया लक्ष्मण बाग संस्थान के कि इस जमीन के बदले हमें जमीन दे दी जानी चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास होना चाहिए था, परंतु नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल वहां गया और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उन्होंने बिना नियम कायदा कानूनों को बलाय ताक में रखते हुए वहां पर बिना विरोध किए हुए वहां की जो जमीन थी उसके बदले अमाउंट लेके चले आए हैं, जिसमें एक प्रतिनिधि मंडल 2 सदस्यीय टीम यहां से गया था, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र द्विवेदी जी और वहां एक तिवारी जी हैं जो लक्ष्मण बाग संस्थान के कर्मचारी हैं, दोनों लोग गए थे और वहां से 4,52,00,000 का एक चेक लेके आए हैं। अब वो चेक दो करोड़ के और एक कुछ 52,00,000 का चेक है वो लेके आ गए हैं। अब वो लक्ष्मण बाग संस्थान में अनविभागीय अधिकारी माध्यम के पास है, एसडीएम महोदय जी के माध्यम के पास है और उनके पास राशि जमा है। देश में कहाँ कहाँ जमीन है? रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की बेस कीमती भूमिया बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में है और इस उद्देश्य ली गई थी, बनाई गई थी गौशाला धर्मशाला रहने गेस्ट हाउस के रूप में, कि हमारे रिवान के जनता और साधु संत महात्मा विंध्य प्रदेश के यहाँ जाएंगे और वहाँ ठहरेंगे और वहाँ दर्शन तीर्थ व भजन कीर्तन करेंगे, तो इस उद्देश्य से हमारे महाराज साहब ने जमीन ली थी। परंतु
और वहाँ इनके वंशज महाराज साहब के वंशज और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जमीन का महत्व नहीं समझे और वहाँ जमीन के बदले जमीन लेना था। बद्रीनाथ में हमारा प्रतिनिधित्व होता, हमारा टाइटल होता, तो आज हमारा टाइटल समाप्त हो गया। हमारी धर्मशाला, गौशाला, वहाँ गेस्ट हाउस पूर्णतः समाप्त होने का कार है। यदि यही मंशा रही तो देश के कोने कोने में जो हमारी संपत्ति है विलुप्त हो जाएगी और खुर्द बुर्द हो जाएगी। इसी प्रकार लक्ष्मणवास संस्थान का जो नाम था, जो महत्व था, वो समाप्त हो जाएगा। जमीन बेचने की वजह क्या है, क्या लगता है? जमीन बेचने की वजह लोगों का कहना है कि जमीन के बदले जमीन, वहाँ पर विकास हो रहा है बद्रीनाथ में। हम विकास के पक्षधर हैं, हम विकास चाहते हैं, परंतु जमीन बेच के उस पैसे का, उस अमाउंट का जो 4,52,00,000 की राशि है, वो वहीं लगती तो बेहतर अच्छा होता। बद्रीनाथ के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या उस एरिया में जमीन हमारी रहेगी तो हमारे साधु संत महात्मा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता जनार्दन, रिमान की जनता जनार्दन वहां जाएगी, वहां रुकती और वहां पूजा पाठ करती और वहां रुकने के बाद दर्शन, भगवान श्री हरि के दर्शन करते, वह जो भी धार्मिक संस्थान वहां दर्शन करते, तीर्थ करते, वहां किसी प्रकार की समस्या न होती। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि रीवा के जनप्रतिनिधि और रीवा जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति का अनुमोदन है, जो राष्ट्रपति का बायलाज बना हुआ है, उसके संदर्भ में इनकी कोई मंशा नहीं, कोई विचार नहीं। जिस जमीन को बेचा गया है वहाँ निर्माण कार्य भी शायद चालू हो गया है इस जी। वहाँ की वीडियो हमारे पास आई है और वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ गौशाला है, वहाँ के साधु संत महात्मा यहाँ वहाँ से चले आए हैं और वहाँ श्रृंगार के लिए हमारे महात्मा, हमारे रीवा का जनप्रतिनिधि पुजारी उनकी ड्यूटी लगती थी। कितना सौभाग्य था कि हमारे रीवा का नाम वहाँ चलता था। हम कहते थे कि हमारी यहाँ जमीन है, वहाँ रुकते थे, तो आज इस आज हम इससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके सोच रहे हैं, हम इस बात का खेद है कि हमारा प्रतिनिधित्व तो समाप्त हो रहा है। जो जमीन बेची गई उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है? वहाँ अब यहाँ के रीवा के बाद जो मास्टर प्लान बता रहे हैं कि रोड बनाएंगे और रिवर फ्रंट बनाएंगे और साथ में यहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं। रीवा के जो माननीय विधायक है वो घोषणा तो किए हैं, लगातार घोषणा। रीवा में इन्वेस्ट होगा? अब रीवा में होगा, वो कहाँ भोग कर रहे हैं वो जाने। कि मैं एक पंथ के माध्यम से कहूंगा, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा जियारे को, द्वारे की हस्ती नागपनी आंगन की तुलसी रोकती है, लक्ष्मणवास संस्थान को किस प्रकार खुदबुर्द कर रहे हैं, ये प्रमाण आपके सामने है। 54 लोग बेसकीमती भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन आपके पास से अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो प्रमाण आपके साथ है। आप पूरी रीवा की, रिमान की जनता देख रही है लक्ष्मणवास का विकास। किन किन कहा था जमीन बेचने में? निश्चित तौर से लक्ष्मणवास संस्थान की जो बायलाज है, जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान से इधर हटके जिला प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारी कोई सोचने दे, और जो कोई विरोध करता उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई, तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा रिमान की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मणबाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मणबाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती? कुछ कहा नहीं जा सकता, जमीन बेच के जमीन का कोई सोच नहीं दे, और जो कोई विरोध करता उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई, तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा रिमान की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मणबाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मणबाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती? कुछ कहा नहीं जा सकता, जमीन बेच के जमीन का काम कर रहे हैं लोग, जो मकबरा बन रहे हैं, जो यहाँ पर गुंबज बन रहे हैं, तो जमीन बेच के। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम भिक्षा वित्त कर सकते हैं,
भिक्षावृत्ति मांग करके अपनी संपत्ति बचाने का हम हौसला रख सकते हैं, पर जो लोग कर रहे हैं जमीन बेच के रीवा को देख लीजिए, आज लाइट लगाने का काम कर रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र पवित्र संस्थानों को किस प्रकार विक्रय किया जा रहा है, किस प्रकार जिला माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो एक्ट बनाए गए थे उस एक्टों पर विचार नहीं किया जा रहा, हट धर्मिता पर प्रशासन जिला प्रशासन आमादा है, हम इस पर विचार नहीं कर रहे। क्या जमीन बेचने का अधिकार इन्हें था? नहीं है, आप बायलाज को उठा के देख लीजिए, संविधान को उठा के देख लीजिए, लक्ष्मण बाग का अलग संविधान बना है जिसका मोहर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है, इस विषय पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। ये जिला प्रशासन को जमीन की सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया है, ना कि विक्रय विनिमय अंतरण विक्रय करने का अधिकार है, ये उनके बाइलाज में है, समिति में कौन किसको अधिकार है ये पहले तो समिति के बाइलाज को पढ़ लें, आखिर संविधान को पढ़ लें, हमारे यहाँ एक संविधान बना है लक्ष्मण बाग संस्थान का।